हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेताज किचन। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ कलाकंद आइसक्रीम की रेसिपी। आपने बहुत सारे फ्लेवर की आइसक्रीम तो टेस्ट की ही होगी, बट ये कलाकंद आइसक्रीम बहुत ही खाने में डिलीशियस और टेस्टी लगती है। और ये बिल्कुल न्यू फ्लेवर में है ये आइसक्रीम जो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप टॉप एंड टाउन की आइसक्रीम खाते हैं तो उसमें ये न्यू फ्लेवर आया है जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो वही सारी डिटेल्स मैं आज आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। ये हम बिल्कुल मार्केट स्टाइल में ही बनाने वाले हैं, GMS और CMC पाउडर का यूज करके। तो चलिए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 250 ml फुल फैट वाला मिल्क। आप यहाँ पे कोई भी पानी मिक्स किया हुआ पतला मिल्क या काउ मिल्क का यूज ना करें। यहाँ पर आपको फुल फैट क्रीम वाला ही मिल्क यूज करना है जिससे आइसक्रीम का टेक्सचर अच्छा आएगा। और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है 20 ग्राम मिल्क पाउडर और उसके साथ मैंने यहाँ पे ली है 30 ग्राम चीनी। ये 1/4 कप का आधा है। ये यहाँ पर मैंने चीनी कम क्यों यूज कर रही हूँ उसे मैं आके आपको वीडियो में बताऊंगी कि मैंने चीनी यहाँ कम क्यों डाली है, क्योंकि हम आगे भी इसमें बहुत सारी चीजें ऐड करने वाले हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है GMS पाउडर, ये लिया है 2 teaspoon प्लस 1/4 teaspoon। और सेम क्वांटिटी में हम यहाँ पे लेंगे कॉर्नफ्लोर, ये भी मैंने लिया है 2 teaspoon प्लस 1/4 teaspoon। और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है CMC पाउडर, ये 1/8 teaspoon लिया है। ये बहुत कम जाती है आइसक्रीम में तो ये 1/8 teaspoon ही हम यहाँ पर लेंगे। और अभी मैं आपको बता देती हूँ कि ये GMS और CMC पाउडर होता क्या है। ये जो CMC पाउडर है ये स्टेबलाइजेशन का काम करता है, आइसक्रीम को जल्दी से पिघलने से बचाता भी है और क्रीमीनेस भी देता है आइसक्रीम को। और यहाँ पर जो GMS पाउडर है ये यहाँ पर आइसक्रीम को एक वॉल्यूम देता है, उसको इंक्रीज करता है, फुलाने का काम करता है और बहुत सारा सॉफ्टनेस और क्रीमीनेस ये आइसक्रीम को देता है। और इन्हीं दोनों चीज़ों का यूज़ करके मार्केट में आइसक्रीम बनाई जाती है, आप वहाँ पर प्रोडक्ट पर देख सकते हैं। और उसके बाद ये किसी भी ग्रॉसरी शॉप पर ईजिली अवेलेबल हो जाता है, GMS और CMC पाउडर। और इसके बैक साइड पे भी प्रोसेस लिखी हुई होती है कि आपको कितनी क्वांटिटी में मिल्क लेना है और ये सारी चीज़ों को ऐड करना है। अब यहाँ पर ये मिल्क पाउडर में ही हम सारी चीज़ों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ये CMC पाउडर, उसी के साथ मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ GMS पाउडर। और यहाँ पे अब हम ऐड कर देंगे इसमें कॉर्नफ्लावर, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। और साथ ही में जो चीनी है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को मिलाकर हमारा बन गया है ये आइसक्रीम प्रीमिक्स। इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर आप 500 ml मिल्क के लिए बना रहे हैं आइसक्रीम तो इस सारी क्वांटिटी को आपको डबल कर देना है। और ये सारा ही मिक्सचर अब हमें इस मिल्क में ऐड कर देना है और इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहे। और ये सारी प्रोसेस आपको ठंडे ही दूध में करनी है। अब इस सारे मिक्सचर को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और देखिए, यहाँ पर ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसे हम कुक कर लेते हैं। अब इस सारे मिक्सचर को हमें पैन में डाल करके अच्छे से कुक कर लेना है और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है और थिक बॉटम पैन का ही आपको यूज़ करना है ताकि ये नीचे से लगे नहीं। और इसे हमें कंटिन्यूसली चलाते हुए ही कुक करना है ताकि नीचे से लगना नहीं चाहिए। और उसके बाद अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 से 6 मिनट मैंने इसे अच्छे से कुक किया और यहाँ पर ये थोड़ा सा थिक हो गया है और इसमें बॉयल भी आना स्टार्ट हो गया है। अब इस स्टेज पे हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको अभी हमें अच्छे से ठंडा होने देना है। यहाँ मैंने मिक्सर को बाउल में निकाल लिया है और इसे हमें बीच बीच में चलाते हुए ठंडा करना है ताकि इसके ऊपर मलाई वगैरह ना सेट हो। और उसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिक्सर हमारा काफ़ी स्मूथ बना है, कोई भी लम्स वगैरह नहीं है। अगर लम्स आ जाते हैं कुक करते वक्त तो इसे आप पहले छन्नी से छान लीजिए और उसके बाद फिर आप मिक्सर को ठंडा होने दीजिए। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक कंटेनर और ये सारा ही मिक्सर हम इसमें डाल देंगे और इसको अभी हमें अच्छे से पहले सेट करना है फ्रीज़र में और उसके बाद फिर हम आगे की प्रोसेस करेंगे। इस मिक्सचर को आपको पहले 5 से 6 घंटे सेट होने के लिए रखना है फ्रीजर में और उसके बाद ही हम आइसक्रीम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 5 से 6 घंटे ये मिक्सचर को मैंने सेट होने के लिए रखा था फ्रीजर में और ये काफी अच्छे से सेट भी हो गया है। अब इसकी हम लीड निकाल लेते हैं और ये देखिए कितना अच्छे से सेट हुआ है। अब यहाँ पे इस मिक्सचर को हम अलग रखते हैं और यहाँ बाउल में मैंने ली है 50 ग्राम व्हिपिंग क्रीम। ये व्हिप क्रीम मैंने ट्रोपोलाइट ब्रांड की ली है, प्रीमियम वाली। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है, रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। मैं केक वगैरह बनाती हूँ इसलिए मेरे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। ये आपको जहाँ केक का मटेरियल मिलता हो वहाँ पे ये आसानी से आपको मिल जाएगी। तो यहाँ हमें ये 50 ग्राम लगने वाली है। अब बीटर की हेल्प से इसको हम अच्छे से बीट कर लेते हैं क्रीम को। और इसको आपको बहुत स्टीफ पीक आते तक बीट नहीं करना है, बस इसे थोड़ी सी क्रीमी हो जाए उतना ही हमें इसे बीट करना है। तो देखिए, यहाँ पे इसका जो टेक्सचर है वो इस तरह का होना चाहिए, इससे ज़्यादा हमें इसको बीट नहीं करना है। अब यहाँ पे ये हमने मिक्सर को 5 मिनट के लिए ऐसे ही रख दिया था, इसको अब हम पहले कट कर लेते हैं ताकि बीट करने में आसानी हो। और यहाँ पे मैं वापस एक बाउल ले रही हूँ और इसमें अब हम ये सारा जो सेट किया हुआ मिक्सर है ये हम इसमें ऐड कर देंगे।
अब इसको भी हम अच्छे से बीट कर लेते हैं। अभी ये थोड़ा सा येलोइश सा दिख रहा है, जैसे जैसे हम इसको बीट करेंगे इसकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी और इसका बेस भी वाइट हो जाएगा। और ये देखिए कितना यहाँ पे क्रीमी होता जा रहा है ये। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट ये डबल हो गया है, जितना हमने मिक्सचर लिया था उससे ये डबल हो गया है बीट करने से। तो बस इतना ही हमें यहाँ पे बीट करना है कि ये डबल हो जाए। और यहाँ पे आप इसका बेस देख सकते हैं कितना वाइट बना है, क्रीमी बना है, और इसमें आइस क्रिस्टल आने का तो सवाल ही नहीं है। ये देखिए इस तरह से आपको बेस रेडी करना है आइसक्रीम के लिए। और यहाँ पे जो हमने क्रीम व्हिप करके रखी थी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे वापस से हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा आइसक्रीम का बेस रेडी हो गया है। अब आप यहाँ पे अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम बना सकते हो इस बेस से। अब इस बेस से हम कलाकंद आइसक्रीम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने कलाकंद लिए हैं, ये व्हाइट वाले आपको लेना है, दो बड़े पीसेस मैंने ले लिए हैं। उसी के साथ मैंने यहाँ पे लिया है कंडेंस मिल्क, ये 50 ग्राम लिया है, इसीलिए स्टार्टिंग में चीनी की क्वांटिटी कम रखी थी क्योंकि ये सारी चीजें इसमें जाने वाली है तो ये बहुत ज्यादा स्वीट ना हो जाए। उसी के साथ 1/4 टीएसपी मैंने लिया है इलायची पाउडर, और ये कुछ पिस्ता लिए है मैंने गार्निशिंग के लिए। तो ये जो कंडेंस मिल्क है अब इस बेस में हम ऐड कर देते हैं, और साथ ही में इसमें हम इलायची पाउडर भी डाल देंगे। तो इलायची पाउडर की क्वांटिटी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके साथ ये कलाकंद मैं क्रश करके इसमें ऐड कर रही हूँ, और यहाँ पे कलाकंद आप 3 से 4 पीसेस भी ऐड कर सकते हैं। अब इन सबको हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ मैं बीटर की हेल्प से इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना क्रीमी बेस बना है इसका, इसमें बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं आते हैं, आइस क्रिस्टल फ्री बनती है बिल्कुल मार्केट जैसी ही, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक कंटेनर और ये सारा ही हम इसमें ऐड कर देंगे मिक्सचर। तो आप देख सकते हैं 250 ml मिल्क से हमने कितना सारा आइसक्रीम का बेस रेडी कर लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा क्रश करके ये कलाकंद डाल देंगे और थोड़ा सा पिस्ता भी डाल देंगे। तो दिख रही है ना, ये बिल्कुल मार्केट जैसी ही और खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। और यहाँ पे ये देखिए आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। और अब इसकी लीड लगा करके हमें इसे फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देना है 7 से 8 घंटे के लिए। तो देखिए मैंने इसे 7 से 8 घंटे के लिए रखा था, पूरी रात इसको रख दिया था सेट होने के लिए। और इसका आप टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। अब इसको हम स्कूप आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कितनी क्रीमी बनी है और बिल्कुल आइस क्रिस्टल नहीं आए हैं, बहुत ही सॉफ्ट है इसका टेक्सचर। तो इस तरह से आप मार्केट स्टाइल घर में ही कलाकंद आइसक्रीम बना सकते हैं, ये बहुत ही डिलीशियस टेस्टी लगती है खाने में। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।